Very good morning, dear children. Dear children, for a few days we are doing our unit 6 in English book, Marigold, class 4. We have started the unit with two poems. The first poem is The Donkey and the second poem is I Had a Little Pony. Okay? We have explanation for this. We have done the poem explanation, poem reading, and along the poem reading we have done 10 lines on pet animals. Pet animals के बारे में कुछ lines भी discuss कर ली. Now, अब poem में कुछ words आए थे, कुछ words आपस में बहुत similar भी लग रहे थे. Yes, they are similar in their meaning. उनका meaning almost similar है. वो भी हम देखेंगे कौन कौन से words जिनके meaning आपको similar लग रहे हैं. And also try to know the meaning of each and every new word that came across the poem while we are reading. Now, new words. Your first new word is donkey. इसके लिए कोई explanation की जरूरत नहीं है. Self-explanatory it is donkey. D-O-N-K-E-Y. Donkey. An animal with long ears used to carry load. An animal, एक जानवर with long ears. इसके ears बड़े होते हैं. Used to carry load. कैरी यानी ले जाने के लिए, लोड यानी बोझ, बोझ को उठा के ले जाने के लिए यूज किया जाता है. एक एनिमल जिसके ईयर्स लॉन्ग होते हैं एंड जिसको हम यूज करते हैं लोडिंग के लिए, वो होता है डंकी. दैट हिंदी इट इज गधा. ओके, नाउ आई हैव सीन अ वाइट डंकी. यू कैन मेक एनी सेंटेंस. आई हैव सीन दैट डंकी. आई हैव सीन अ ब्राउन डंकी. दिस इज अ डंकी. दिस डंकी इज चेकिंग my stack of wheat. Stack यानी बोरा. ओके, दिस डंकी इज लोडिंग द वुड ओवर द हिल्स. ओवर द हिल्स सिंपल. इतने टफ पे मत जाओ. सिंपल. आई हैव सीन अ वाइट डंकी या दिस इज अ डंकी या आई हैव अ डंकी या माय फ्रेंड हैव अ डंकी. सिंपल बनाओ. ठीक है, नो नीड टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिकॉज यू विल नॉट. अब बना भी नहीं पाओगे ना सीख पाओगे. नेक्स्ट इज बोलो. WALLOP बोलो. टू हिट हार्ड. किसी को बहुत हिट करना. हिट मतलब मारना. हार्ड मतलब ज्यादा कठोरता से किसी को मारना. टू हिट हार्ड. TO2HIT HIT हार्ड. बोलो. बोलो मीन्स होती टू हिट हार्ड. ओके, मीनिंग प्रहार करना. प्रहार करना या कोड़े से मारना. किसी पे आप प्रहार कर रहे हो. प्रहार किसी एनिमल पे आप प्रहार कर रहे हो या उसको कोड़े से मार रहे हो, बहुत तेजी से मार रहे हो. That is बोलो. कभी कोई हमें डंकी वाली कोई हमें कहता है कि मैं उसको बोलो नहीं करूँगा. नो नो नो. इधर आई विल गिव हिम कॉर्न्स और हे. मैं उसको हे मीन्स ग्रास यानी घास चारा. मैं उसको चारा दूंगा या फिर मैं उसको कॉर्न्स दूंगा लेकिन बोलो नहीं करूँगा. द हॉर्स राइडर बोलो. द हॉर्स द हॉर्स राइडर द हॉर्स राइडर जो हॉर्स चलाता है वो हॉर्स राइडर हो गया. बोलो द हॉर्स. वो हॉर्स को क्या करेगा चिल्ड्रन? बोलो करेगा. हॉर्स राइडर वॉल ऑफ द हॉर्स. जो हॉर्स राइडर है वो वॉल ऑफ करेगा हॉर्स को. मार रहा है किसको? घोड़े से या फिर बहुत तेजी से, बहुत जोर से. कौन? हॉर्स राइडर. किसको? हॉर्स. सिंपल बना सकते हो. द टीचर वॉल ऑफ द चिल्ड्रन. दो इट इज वेरी ऑफेंसिबल. ऑफेंसिबल मतलब ये पनिशेबल है. टीचर को मारना नहीं है. बहुत वॉल ऑफ मतलब बहुत ज्यादा मारना. ठीक है, समझ गए? जैसे कि पुलिस. हाँ, पुलिस मार सकती है क्रिमिनल्स को. द पुलिस वॉल ऑफ क्रिमिनल्स. उनको तो ऐसी पनिशमेंट मिल सकती है. ओके, तो क्रिमिनल्स को पुलिस वॉल ऑफ कर सकती है. बट एनिमल्स दे आर लिविंग बींग्स. वी शुड नॉट वॉल ऑफ देम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेडी. जैसे आई एम अ लेडी बट आई एम अ वूमेन ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वूमेन एंड लेडी? वूमेन और लेडी में क्या अंतर है? सपोज देयर इज अ वूमेन. कोई वूमेन आ रही है, आप पोलाइटली व्हाट रिस्पेक्ट के साथ उसको बोलना चाहते हो तो बोलोगे दैट लेडी इज कमिंग. लेडी मतलब आप किसी को ज़्यादा इज्जत दे रहे हो तो आप उसको लेडी बोलो. अदरवाइज वुमेन तो नॉर्मल कॉमन वर्ड है. वुमेन आप किसी भी वे में बोल सकते हो. रिस्पेक्ट के साथ भी वुमेन चलेगा. बट इफ यू वॉन्ट टू गिव मोर रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस दिखाना चाहते हो, विनम्रता दिखाना चाहते हो, तो यू विल से लेडी. ठीक है, आप पोलाइट वे टू कॉल अ वुमेन. पोलाइट विनम्र वे तरीका टू कॉल अ वुमेन. एक वुमेन को बुलाने के लिए कहने के लिए पोलाइट वे होता है कि उसको लेडी बोले. L-A-D-Y, lady. The lady is
हिट हार्ड, बहुत जोर से मारना या फिर व्यवहार करना है थोड़े से मारना. लेडी इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन वर्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव अहेड. फ्यू मोर न्यू वर्ड्स आर देयर. विट, डब्ल्यू एच आई पी ई डी, विट. व्हाट इज इट? विट, डब्ल्यू एच आई पी ई डी, विट. टू बीट, विट का मतलब ये क्या होता है? बीट, मारना. ठीक है, नॉर्मल मारना. मार रहे हो तो विच कर रहे हो, घोड़े से मारना नहीं, विच करना. मी टू वॉज विच्ड बाय लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड मतलब जमीन का मालिक. जमीन के मालिक के द्वारा मी टू को पीटा गया, विप्ड किया गया. ठीक है, द मैन, द कैट इज विप्ड बाय हिज हर हायर. जो उसका हायर था उसने इसको विप किया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेंच. विप्ड होते क्या यूज कर लिया. नेक्स्ट इज लेंच, टू गिव समथिंग. टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग, किसी को कुछ देना जो कि आपको रिटर्न होगी, वो होता है लेंट. ठीक है, लेंट होता है किसी को भी कुछ ना उधार दे रहे हो, दैट इज लेंट. मोहन लेंट अ बुक फ्रॉम हिज कजिन. मोहन लेंट अ बुक फ्रॉम हिज कजिन. मोहन ने एक बुक उधारी पे ली है अपनी कजिन से. लेंट किया मतलब पढ़ने के बाद उसको रिटर्न करनी पड़ेगी. मोहन लेंट अ बुक फ्रॉम हिज कजिन. Next is lashed. L-A-S-H-E-D. L-A-S-H-E-D. Lashed. L-A-S-H-E-D. Lashed. A quick blow. Lashed means a quick blow. फटकारना और कोड़े मारना. किसी को बहुत एक फटकार रहे हो आप, जब कोड़े मार रहे हो इसमें तो वो भी क्या होता है? Lashed. The lion lashed his tail. यहाँ पे फटकारना, उसने अपनी टेल को फटकारा. ओके, मायर. Next is mire. To get stuck on muddy ground. To get stuck on muddy ground. फंस जाना. Stuck का मतलब फंस जाना. कहाँ पे? Muddy ground. Muddy ground यानी कीचड़ वाले एरिया में फंस जाना, वो होता है mire. M-I-R-E. M-I-R-E. Mire. ठीक है, to get stuck on muddy ground. Muddy ground में stuck हो जाना, कीचड़ में फंसना या फंसाना. ठीक है, our car mired in the morning. हमारी कार मॉर्निंग में मायर हो गई, मतलब किचन में फंस गई. नेक्स्ट द लास्ट वन इज हायर. मायर, टू गेट स्टक इन मडी ग्राउंड. मडी ग्राउंड में फंस जाना. नेक्स्ट इज हायर, टू एम्प्लॉय समवन फॉर मनी. या फिर जो भी कोई आप किसी के मालिक हो, कोई मालिक भी हो, यानी किराए पर देना. आप किसी चीज़ को किराए पर दे रहे हो, किराए पर दे रहे हो, उसको हायर कर रहे हो. आई हायर अ बाइक टू ट्रैवल. टू लगा, आई हायर, मैंने बाइक किराए पर हायर की है. अ बाइक टू ट्रैवल, ट्रैवल करने की, यात्रा करने के लिए. टू लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख ट्रैवल करने के लिए मैंने एक बाइक हायर की है. ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो. देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस. अगेन, विप मतलब टू बीट, मारना. लेंथ किसी को उधार के देना. लैश ग्लो करना, हाथ भी जल्दी से टूटी, यानी फटकारना या कोड़े मारना. माय, माय क्या होता है? किचन में फंसाना या फिर किचन में फंसना. हायर, आप किराए पर किसी को कुछ दे रहे हो या ले रहे हो, दैट इज हायर. Okay children, like this, here we have discussed their 8 new words. Okay, I hope you have understood them very well. Okay children, thank you so much. You can see here again, whipped, lent, lashed, mire, hire. Okay, this is donkey, first new word, second wallop, third is lady, then fourth is whipped, fifth is lent, sixth is lashed, seventh is mire, eighth is hire. Thank you so much.